दोस्तों कपड़े पहनना तो सबको पसंद होता है, लेकिन जब बात इसको फोल्ड करके रखने की आती है तो इसमें हर कोई पीछे भाग जाता है। क्योंकि जब भी आपकी मम्मी आपसे घर के कपड़े या फिर यूनिफॉर्म को फोल्ड करने के लिए बोलती है तो आप नहीं करते हैं, क्योंकि कपड़े फोल्ड करने में मेहनत बहुत पड़ती है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके कपड़े फोल्ड करने के लिए हम यह फोल्डिंग मशीन लेकर आए हैं जो कि सिर्फ 2 मिनट में कपड़े को फोल्ड करके रेडी कर देती है। इसके साथ ही आज हम आपके घर के कोने कोने सोफा और बेड की सफाई करने के लिए कुछ ऐसी शानदार मशीनें लेकर आए हैं जिनके द्वारा बिना किसी मेहनत के सफाई कर सकते हैं। बहुत से लोगों के लिए टी शर्ट में अपनी मनपसंद पिक्चर को प्रिंट करवाना बहुत ही पसंद होता है और इसके लिए उन्हें काफ़ी दूर जाना पड़ता था, लेकिन अब आप घर पर ही अपनी मनपसंद पिक्चर को टी शर्ट में प्रिंट कर सकते हैं। तो अब देरी किस चीज़ की, सिर्फ कपड़े पहनिए और स्टाइल के साथ बाहर जाइए। वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखते रहिएगा क्योंकि इसमें एक से बढ़कर एक इंजीनियस मशीनों के बारे में बताया गया है। इसके साथ ही में दोस्तों आज हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पसंद तो करते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि आप उनसे जुड़े रहें और आप तक हमेशा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचती रहे। सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं इस मैट्रेस क्लीनिंग मशीन से। घर में रहकर हम अपने बेड का भरपूर यूज़ करते हैं और कभी कभार उसमें खाना भी खा लेते हैं, लेकिन उसको यूज़ करने से इसमें धूल जम जाती है और साथ ही में खाना गिर जाने से इसमें बैक्टीरिया वगैरह उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे कि लोग एलर्जी, अस्थमा और बहुत से प्रकार की बीमारियों के शिकार होने लगते हैं। एक चीज़ हम आपको बता दें कि आप अपने पूरे लाइफ का तीसरा भाग अपने बेड में स्पेंड करते हैं, इसलिए इसकी सफाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन इसकी सफाई करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि यदि इसे पानी से धोया जाए तो यह सूख नहीं पाता है और उस टाइम आपको नीचे ही सोना पड़ता है। लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, इसके लिए यह मैट्रेस क्लीनिंग मशीन बहुत ही इंजीनियस वर्क करती है। यह मशीन बेड में जो धूल या फिर बैक्टीरिया होती हैं उसे यह वैक्यूम कर लेती है। यह मशीन इलेक्ट्रिसिटी से चलती है और इसमें पानी का यूज़ तो बिल्कुल नहीं होता है, जिससे कि इसको गीला करने जैसी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। दरअसल में इसमें वैक्यूम का सिस्टम दिया गया है जिससे कि मैट्रेस में जो धूल या फिर बैक्टीरिया जमी होती है उसे यह मशीन खींच कर अपने कंटेनर में कलेक्ट कर लेती है। इस मशीन के द्वारा सफाई करने से बेड में जमी सबसे खतरनाक चीज़ बैक्टीरिया वगैरह साफ हो जाती हैं, जिससे कि आप या फिर आपके घर के लोग एलर्जी, अस्थमा या फिर बाकी बीमारियों के शिकार नहीं होने पाएंगे। तो बताइए फिर किस किस को समस्या होती है अपने कपड़े को प्रेस करने में। भाई किसी को समस्या हो या ना हो, लेकिन आपको तो बहुत ही समस्या होती है, क्योंकि जब भी आपको आपके स्कूल यूनिफॉर्म या फिर घर के कपड़ों को प्रेस करने के लिए बोला जाता है तो आप साइड से निकल जाते हैं। तो आप किसी समस्या के लिए यह इफी आयरन मशीन बहुत ही बेहतरीन काम करती है। इसमें सिर्फ कपड़े को हैंग करके इसके स्टार्ट बटन को दबाना होता है, उसके बाद आप देखिए इसका मैजिक। यह कपड़े को अंदर की तरफ खींचकर इसे प्रेसिंग सिस्टम के द्वारा प्रेस कर देती है। यह मशीन सिर्फ कपड़े को प्रेस ही नहीं बल्कि उसे सुखा भी देती है। इसमें आप 12 कपड़े को एक साथ प्रेस कर सकते हैं, जिसमें कि छोटे बड़े हर साइज़ के कपड़े आ जाते हैं। अब बड़े कपड़े चाहे पापा के हों या फिर छोटे कपड़े चाहे बच्चे के हों, यह मशीन सब कुछ सुखा कर उसको प्रेस करने के काबिल है। तो आपको अपने कपड़े प्रेस करने में जो समस्या हुआ करती थी वह अब नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए यह मशीन कितना शानदार काम करती है आप देख ही चुके हैं। इस मशीन के इस इंजीनियस वर्क के बारे में आपकी क्या राय है नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। देखिए दोस्तों, गार्डन में घूमना हम सब काफ़ी पसंद करते हैं, क्योंकि गार्डन में जो प्लांट्स लगे होते हैं उनके द्वारा ही हमें सुकून भरा ऑक्सीजन मिल पाता है। लेकिन ये जो प्लांट्स लगे होते हैं समय समय पर देखरेख ना करने पर इनकी पत्तियां धीरे धीरे बड़ी हो जाती हैं, जो कि देखने में अच्छा नहीं लगता है। इनको बराबर शेप देने के लिए यह हेयर ट्रिमर बहुत ही कारगर काम करता है। इस ट्रिमर में शार्पी ब्लेड लगे होते हैं जो कि पत्तियों को बहुत ही बारीकी से ट्रिम कर देती हैं। इसे आप बहुत ही आसानी से अपने हाथों से हैंडल करके पत्तियों को काट सकते हैं। दोस्तों ऐसे टूल हमारे घर के गार्डन के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। इस टूल के द्वारा पौधों की एक बराबर शेप और साइज़ दिया जा सकता है, जिससे कि पौधे देखने में काफ़ी अच्छे लगने लगते हैं। आपने देखा होगा कि गर्मी के सीज़न में इन्हीं पौधे के पत्ते सूख कर नीचे गिरने लगते हैं, इसलिए इसकी सफाई करना ज़रूरी होता है। यदि सफाई किसी व्यक्ति द्वारा किया जाए तो इतने बड़े ग्राउंड को साफ करना बहुत ही मेहनत भरा काम हो जाता है। तो इसी काम को इस लिटर वैक्यूम मशीन ने बहुत ही आसान कर दिया है। इस मशीन में वैक्यूम का सिस्टम दिया गया है और इसके पीछे कंटेनर लगा होता है, जिससे कि पूरे ग्राउंड में जो पत्तियाँ गिरी होती हैं उसे मशीन स्वीप करके अपने कंटेनर में कलेक्ट कर लेती है। यह मशीन सिर्फ पत्ती ही नहीं ग्राउंड में जो कूड़ा कचरा गिरा होता है उसे यह साफ करने के काबिल है। इसके द्वारा सफाई करने के लिए आपको सिर्फ इसको आगे से पीछे की तरफ मूव करना होता है, उसके बाद यह मशीन ग्राउंड में फैले पूरे कूड़ा कचरा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से साफ कर देती है। इसके द्वारा सफाई करने का काम बहुत ही आसान हो गया है, जिससे कि आपको सफाई करने के लिए मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ेगी। हर कोई अपने घर में सोफ़ा का भरपूर यूज़ करते हैं। इसको यूज़ करने से उसमें धूल मिट्टी वगैरह बैठ जाती है, जिससे कि इसकी सफाई करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यदि सफाई न की जाए तो इसमें बैठने में फ्रेश फील नहीं होता है, और जब बात सफाई की आती है तब हर कोई दूर भाग जाता है।
अब आप सफाई करने के लिए क्यों भाग जाते हैं, यह तो हमें नहीं पता। शायद आपको सफाई करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही में एक और समस्या कि इसको धुलने पर यह जल्दी से सूख नहीं पाता है। तो आपकी इसी समस्या के लिए हम यह वैक्यूम क्लीनर मशीन लेकर आए हैं, जो कि आपके सोफ़ा की सफाई करने के लिए बहुत ही शानदार काम करती है। इस मशीन में ब्रश फिट होता है और इस ब्रश से फोम निकलता है और यह सोफ़ा की सीट को स्क्रब करती है। इससे जो धूल और मिट्टी जमी होती है वह निकल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि स्क्रब करने से सोफ़ा गीला हो गया होगा, तो इसके लिए इसमें वैक्यूम का सिस्टम दिया हुआ है, जिससे कि जो फोम सोफ़ा में लगा हुआ होता है उसे वैक्यूम कर लेता है। इस मशीन का उपयोग करके सालों से कुर्सी में जो धूल और मिट्टी जमी होती है उसे यह मशीन कुछ ही मिनटों में यूँ साफ़ करके एकदम नया कर देती है, जो कि देखने में काफ़ी बेहतरीन लगने लगता है। तो देरी किस चीज़ की, जाइए और आराम से बैठ जाइए। यह मशीन सिर्फ सोफ़ा ही नहीं, बल्कि इसके द्वारा आप अपने कार की भी सफाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। इस मशीन को यूज़ करने से आपको अपने कार में जमे दाग और धब्बे की सफाई करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसके द्वारा सफाई करने से इंटीरियर का लुक एकदम नया हो जाता है। अब कार के इंटीरियर की तो सफाई हो गई, लेकिन कार के बाहर की भी तो सफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि गाड़ी के चलने से उसमें धूल वगैरह जम जाती है, जिससे कि कार का लुक एकदम डाउन हो जाता है। और इसकी धुलाई करने के लिए यदि आप इसे मैकेनिक के पास ले जाएंगे तो वह अच्छा खासा पैसा वसूल लेगा। इसलिए कितना बेहतर हो यदि आप इसे घर पर ही वॉश कर लें। तो इसके लिए एक बहुत ही शानदार गैजेट है, यह कार प्रेशर वॉशर। इसमें एक वॉशर गन है जिसमें कि पानी बहुत ही प्रेशर से निकलता है। इसको यूज़ करना बहुत ही ईजी है। इसमें एक वॉशर ब्रश भी आता है। इसके द्वारा आप कार के कोने कोने की सफाई कर सकते हैं। अब इसकी धुलाई करने के लिए इस वाटर गन से पानी निकलता है और इसके ग्रिप को दबाने से इसमें पानी और भी प्रेशर से निकलने लगता है, जिससे कि पूरे कार की सफाई बहुत ही बारीकी से हो जाती है। अब जब भी आपको अपनी कार की धुलाई करना हो तो आपको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इस गैजेट का यूज़ कीजिए और फटाफट कार को साफ़ कर लीजिए। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि घर के फर्श में पोछा लगाने पर सफाई अच्छे से नहीं होती है, जिसमें कि मिट्टी वगैरह जमी रह जाती है। तो उसके लिए यह फ्लोर क्लीनिंग मशीन बहुत ही गजब का काम करती है। इस मशीन में एक स्क्रबर ब्रश लगा होता है जो कि फ़र्श को स्क्रब करता है, जिससे कि फ़र्श में जो धूल और मिट्टी जमी होती है उसे निकालने में आसानी हो जाती है। वॉशिंग पाउडर डालने के लिए इसमें कंटेनर दिया गया है और वॉशिंग पाउडर के साथ स्क्रब करने से फ़र्श की सफाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाती है। यदि आपके घर के बाथरूम में काई जमा हो तो उसे स्क्रब करके निकाल देती है। पोछा लगाने के लिए हमारे माताओं और बहनों को झुकना पड़ता है, जिससे कि उनके कमर में दर्द शुरू हो जाता है। उनके लिए यह हैंडल बार के साथ यह स्क्रबर मशीन बहुत ही बेहतरीन आविष्कार है, जिसके द्वारा घर के कोने कोने की सफाई कर सकते हैं। इससे अब उन्हें किसी प्रकार के दर्द जैसी समस्या नहीं होगी। अब आइए रूबरू करवाते हैं आपको क्लॉथ प्रिंटिंग मशीन से। दोस्तों, कई लोगों को टी शर्ट में अपनी मनपसंद पिक्चर को प्रिंट करवाना बहुत ही पसंद होता है, क्योंकि यह देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगने लगता है। लेकिन इसके लिए उन्हें काफ़ी दूर जाना पड़ता था। तो अब आप अपने घर पर ही अपनी मनपसंद पिक्चर को टी शर्ट में प्रिंट कर सकते हैं, क्योंकि टी शर्ट में प्रिंटिंग करने के लिए यह गारमेंट प्रिंटर एक नंबर पर है। प्रिंटिंग करने के लिए आपको कंप्यूटर में पिक्चर और टी शर्ट के कलर को सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद टी शर्ट को इस प्रिंटर मशीन में रखना होता है। इसके बाद यह मशीन कुछ ही मिनटों में उस पिक्चर को प्रिंट कर देती है। अब आप देख सकते हैं कि टी शर्ट प्रिंट हो चुका है। इसके बाद इस कपड़े को 90 सेकंड के लिए प्रेस करना होता है, जिससे कि यह सूख कर एकदम रेडी हो जाए। इस मशीन के द्वारा आप अपनी मनपसंद पिक्चर को टी शर्ट में प्रिंट करके अपनी टी शर्ट को एकदम अलग बना सकते हैं, जो कि देखने में सबसे अलग दिखने लगता है। भाई, अब कपड़े तो प्रेस हो गए थे, लेकिन प्रेस करने के बाद जब बात उसको फोल्ड करने की आती है तो यह काम कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि पूरे घर के कपड़े को फोल्ड करने में बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। और यह काम सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि हमको भी करनी पड़ जाती है। लेकिन हमारे होते हुए आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि कपड़े फोल्ड करने के लिए यह फोल्डीमेट मशीन एक नंबर की है। इस मशीन में सिर्फ कपड़े को होल्ड करना होता है। उसके बाद यह मशीन कपड़े को खींच कर उसे हर तरफ से फोल्ड करके रेडी कर देती है। यह आपकी शर्ट, पैंट और टॉवल के साथ सभी कपड़ों को फोल्ड करने के काबिल है। यह फोल्डिंग मशीन फुली ऑटोमेटिक है, जिसमें कि इसको यूज़ करना बहुत ईजी है। घर के छोटे छोटे बच्चे भी इसको यूज़ करके अपने कपड़े को फोल्ड कर सकते हैं। इसको यूज़ करने से आपको किसी प्रकार की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और कपड़ा एकदम रेडी हो जाएगा। अब आप इसको पहनकर एकदम स्टाइल के साथ बाहर जा सकते हैं। तो दोस्तों, यह थे आपके घर के लिए कुछ इंजीनियस मशीनें, जिनको यूज़ करके आप अपने घर के कोने कोने की सफाई कर सकते हैं। साथ ही में कपड़ा फोल्ड करने में जो आपको समस्या होती थी वह अब नहीं होगी। इन सभी मशीनों में से सबसे बेहतरीन मशीन आपको कौन सी लगी और कौन सी मशीन को आप अपने घर ले जाना पसंद करेंगे? वीडियो पसंद आ ही गई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आप तक हमेशा ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुँचती रहे। स्क्रीन में आपको दो और वीडियो दिख रही होंगी जो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हैं, इन्हें आप ज़रूर देखिए।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक बार फिर से एक नए और शानदार वीडियो में।